दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पिछली वीडियो बेस्ट एक्वेरियम फिल्टर के सक्सेस के लिए। आपको याद होगा मेरी जो फर्स्ट कैम फेस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 100 लाइक्स का एम भी किया था, वो तो नहीं हुआ था लेकिन 80 लाइक्स फिर भी आ गए थे। बट इस वीडियो पे मैंने कोई एम नहीं रखा था, फिर भी आप लोगों के प्यार की वजह से 140 लाइक्स जो है ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आई बिलीव 150 भी बहुत जल्दी जो है हो जाएंगे। तो आज जो मैं दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मेजरली जो मैं बात करने वाला हूँ वो है फिश नॉट ईटिंग फूड के बारे में। जो बिगिनर्स हैं और या फिर जिनके अब टैंक है और उन्होंने ऑलरेडी फिश रखी हुई है, सडनली उसने खाना बंद कर दिया, तो ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट ये है, हम डिस्कस करना चाहेंगे न्यू फिशेस के बारे में। तो पहला क्या होता है, जब आप न्यू फिश लेकर आते हैं, अगर आपके पास कम्युनिटी टैंक है जिसमें डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं वो रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे टैंक में आप देख सकते हैं कि एंजल भी है और पिंक जेब्रा भी हैं, ज़्यादा वेराइटी मैंने नहीं रखी हुई, एक डॉक्टर फिश है और एल्गी ईटर है। तो होता क्या है, जब डिफरेंट आप ब्रीड ला के डालते हैं कम्युनिटी टैंक के अंदर, तो पुरानी फिशेस और नई फिशेस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए वो खाना नहीं खाती हैं। दैट इज़ पॉइंट नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो भी ब्रीड होती है सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड फिश की और गप्पीज फिश की, आते ही टैंक के अंदर डालते ही आप खाना डालोगे तो भी वो खाना खाना शुरू करते हैं। गोल्ड फिश तो खासतौर पे आपको पता ही है कि हमेशा जो है खाना खाने के लिए तैयार रहती है, जिसके कारण कई बार वो मर भी जाती हैं लीवर एनलार्ज की वजह से। तो गपीस का तो ऐसा कि अगर आप हाथ में भी खाना लेकर के डालोगे तो आपके हाथ से भी खाना खा लेगी, दो या तीन दिन में इतना ज़्यादा सेटल डाउन जो है हो जाती है। एंजल फिश की मैं अगर बात करूँ तो ये 48 से 72 आवर्स लगता है इनको सेटअप होने में। इसी ब्रीड के अंदर, सेक्रेट के अंदर हमारे पास डिस्कस फिश भी आती है, उसको और ज़्यादा टाइम लगता है, वो हफ्ता भर भी लग जाता है। बाकी अगर फिश खाना नहीं खा रही है एक्चुअल में, मतलब आपके सामने भी और वैसे बाद में भी, तो मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन खाना ना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिशेस एक हफ्ते तक भी सर्वाइव कर सकती हैं अगर वो एक हेल्दी फिश है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो 15 डेज या फिर 1 मंथ तक भी जो है सर्वाइव कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फाइटर फिश, जिसको बेटा फिश भी बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खाना नहीं डालना, खाना आप डेली बेसिस पर डाला करिए, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 2 बार डालिए, बहुत बढ़िया फिश रहती है उससे आपकी। दूसरा टॉपिक अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं हमारे ट्रॉपिकल फिशेस के अंदर, टाइगर शार्क भी आती है, जो टैंक के अंदर अगर ऑलरेडी रह रही हो लेकिन आपने टैंक की सफाई करी है रिसेंटली या कुछ डेकोरेशन उठा के आपने इधर उधर कराया है, चेंज कराया, साफ करके वापस डाला है, वो फिश बहुत जल्दी पैनिक कर जाती है। या टैंक पे मान लो आपका हाथ लग गया, कुछ सामान लगा जिससे आवाज़ हुई, वो एकदम से पैनिक कर जाएगी। दिवाली में इनफैक्ट बम पटाखों की आवाज़ से भी जो है वो फिश बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है। उसी तरह और भी फिशेज होती हैं, तो अगर आपने टैंक का सेटअप वगैरह चेंज कराया सडनली तो वो उससे भी आपका जो है 1-2 दिन का टाइम दोबारा ले लेती हैं सेटल डाउन होने में। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिकल इम्बैलेंस, यानी कि आपने वाटर चेंज किया, कुछ किया लेकिन आपका पीएच जो है वो बिगड़ गया, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपके अमोनिया नाइट्रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए, तो केमिकल इम्बैलेंस जब भी होता है दोस्तों तो उसमें जो है फिश बहुत जल्दी अनकम्फर्टेबल फील करती है और तब भी वो खाना खाना बंद कर सकती है, जिसके कारण वो बीमार भी हो सकती है, इनफैक्ट मर भी सकती है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा प्रॉपर सेटअप टैंक है, काफ़ी दिनों से सब कुछ सही चलता आ रहा था, अचानक से अगर फिशेज ने खाना खाना बंद कर दिया, तो ये आपको सबसे पहले अपना वाटर जो है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेक कर सकते हैं, आपके टेस्ट किट नहीं है, तो आप अपने नियर बाई किसी भी स्टोर के एक्वेरियम कीपर को जो है पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि आके वो आपका वाटर जो है चेक कर जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपको लग रहा है नहीं खा रही है, नहीं खा रही है, नहीं खा रही है, बहुत टाइम हो गया, जैसे कि मेरे को लास्ट वीडियोस पे कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आए थे, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आप एक डिम लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे खाना डालिए और कहीं दूर जाके बैठ जाइए जहाँ से आप विजिबल ना हो लेकिन आप एक्वेरियम को देख सकें। आपको पता लग जाएगा कि फिशेज जो है वो उस टाइम जो आपने खाना ऊपर डाला तब तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो नीचे से जाके बाद में जो है वो खाना खा लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिश 1 महीना खाना नहीं खा रही और आपको लग रहा है अभी वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको सिर्फ इसमें पेशेंस रखनी है, कुछ टाइम बाद फिश अपने आप जो है जब कंफर्टेबल हो जाती है तो वो खाना आपके डालते ही जो है खाने लग जाएगी, तो आप भी रियल टाइम जो है देख पाएंगे। बाकी टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, काफ़ी सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।